नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल लगातार सागर में सड़क हादसों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। सागर में कार और बाइक की भिड़ंत हुई, महिला सहित दो गंभीर बताए जा रहे हैं। कार ने सामने से टक्कर मारी और भागते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सागर के सानोदा थाना क्षेत्र में बेबस नदी पुल पर रविवार दोपहर को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल भेजा। घायलों के सड़क पर पड़े होने के कारण मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी। दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई। पुलिस ने जाम खुलवाया। त्यौहार के बाद लोग अपने अपने घरों से लौट रहे हैं। इस दौरान भीड़भाड़ इस रोड पर ज़्यादा रहती है। वहीं टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार लेकर तेज रफ्तार में घटनास्थल से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने चनाटोरिया स्थित टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें दुर्घटना कर भागी कार नजर आई है। कार पर नंबर प्लेट नहीं है, आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश कर रही है। वहीं थाना प्रभारी भरत से ठाकुर ने बताया है कि कार ने बाइक को टक्कर मारी है। दुर्घटना करके कार चालक मौके से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में कार नजर आई है, जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के टोल नाकों और थानों को कार के फुटेज भेजकर तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल पुरुष की पहचान मनोहर गौंड निवासी मैहर के रूप में हुई है। घायल महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई थी। घायलों को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।